हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसी एक्सेसरी के बारे में जो कि आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप कार ओनर हैं। तो अगर आपके पास कार है तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी। मुझे 2 साल इस चीज़ को यूज़ करते करते ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। एंड ये कोई पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट ये मुझे एक्सेसरी पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसको 2 साल से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम सेविंग है, प्लस आपकी कार के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दीजिए। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सेसरी ये मैंने दिखाई हुई है अपने वीडियो में पहले, बट ये उस वक्त इनिशियल स्टेज में मैं यूज़ कर रहा था, एकदम नई खरीदी थी, तो मुझे भी नहीं पता था कि लॉन्ग टर्म में कैसी रहेगी। तो ये है कार डस्टर, कई लोगों को पता भी होगा एंड कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए वीडियो है। कार डस्टर है जो पैसो का है, हाँ जो पैसो इसकी कंपनी का नाम है। तो ये कार डस्टर मैंने लिया था 2 ईयर्स पहले, 2018 नवंबर में मेरे पास आया था, अमेज़ॉन से मैंने लिया था। तो ये कार डस्टर क्या करता है, सिंपली आपकी कार को साफ़ करने का काम करता है। बट साफ़ करने का काम करता है तो लोग कहेंगे इतनी ज़्यादा कौन सी बड़ी चीज़ है। तो बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कोई क्लोथ से साफ़ करते हैं, जैसे कि आप कार पहले कंडीशन, तो कार में यहाँ पे डस्ट है, ये देखिए मैं हटा रहा हूँ ना हाथ से, मेरी उंगली पे भी आ रही डस्ट। तो ये जो डस्ट है इसको लोग साफ़ करना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली आप घर से निकलते हैं तो आप कार को साफ़ करते हैं ना, तो ये डस्ट जो है ये सो कार मेरी गंदी है, एंड ये डस्टर उसी को साफ़ करने का काम करता है। अगर आप इस पर कपड़ा यूज़ करेंगे तो ये कार पे स्वल मार्क्स बनाता है, स्क्रैचेस बनाता है छोटे छोटे, जो लॉन्ग टर्म में कार को फिर एक थोड़ी एज लगने लगती है, कार पुरानी लगने लगती है, तो उस चीज़ में ये एक्सेसरी काम आती है। तो ये ऐसे कुछ दिखता है बाहर निकलने के बाद, यहाँ पे सिंपली एक जिप है, खोलते हैं आप। तो ये फ़िलहाल काफ़ी गंदा हो गया क्योंकि 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 बार मैंने इसको वॉश भी किया हुआ है। एंड सिंपली जब ये नया आता है तो पूरा वाइट कलर का होता है, एंड इसमें क्या होती है वैक्स की जो है कोटिंग होती है इसके ब्रशेस पे। तो वैक्स की कोटिंग की वजह से क्या होता है कि सिंपली आप जब अपनी कार पे इसको ऐसे स्वाइप करते हैं तो ये एक साथ सारी डस्ट जो है माइक्रोफाइबर टाइप, माइक्रोफाइबर क्लोथ जैसे उठाता है डस्ट, वैसे पूरी डस्ट को उठा लेता है कार से। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस पे से डस्ट हटा के दिखा रहा हूँ। अब मैं इस पे बोनट से ऐसे डस्ट हटा रहा हूँ, यहाँ से डस्ट हटा रहा हूँ, तो ये सिंपली एक वाइप में ऑलमोस्ट डस्ट हटा ले रहा है। फिलहाल अभी इसकी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी कम हो गई है क्योंकि 2 ईयर्स पुराना हो गया है, तो अब मुझे लगता है नया लेना पड़ेगा मुझको भी एक। तो ये था प्रोडक्ट, इससे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको 10 मिनट्स लगेंगे, 5 to 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ी कार है तो 10 मिनट्स, 5 मिनट्स में आपकी कार रेडी हो जाएगी। आप बाहर जा रहे हैं, अब हमारे पास तो कोई नौकर होता नहीं मिडिल क्लास लोगों के पास कि नौकर ने साफ़ करके रख दी, हाँ कुछ लोग रखते हैं बट मोस्ट ऑफ द लोगों के पास नहीं होता है। तो अगर आप इसको सिंपली निकालेंगे, ऑफिस भी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं भी कार निकाल रहे हैं, थोड़ी गंदी है, लेना है केवल इसको स्वाइप करना है हर जगह, मिरर से लेके आप हर तरफ कर सकते हैं, विंडशील्ड आपकी हो गई, आपकी हेडलाइट्स हो गई, ऑल ओवर द कार आप कर सकते हैं। बस इसकी एक कंडीशन है, इसको वेट गीली कार पे मत यूज़ करिएगा, गीला करके मत यूज़ करिएगा, बाकी सूखे वेदर में आप जितनी बार यूज़ कर सकते हैं, जितनी गंदी गाड़ी पे यूज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा है। एंड इसका एक सबसे अच्छा जो यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। लोग अपनी कार को वॉश करवाते हैं वॉशिंग सेंटर से, तो वॉशिंग सेंटर से जब कार वॉश होती है तो उस पर पॉलिश करवाते हैं लोग, मैं भी करवाता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ पॉलिश घर पे। तो जब पॉलिश करते हैं कार को, पॉलिश करने के बाद आप लोग ने देखा होगा ये जो डस्ट बैठी है उतनी अच्छे से बैठती नहीं है, पॉलिश की खासियत है कि डस्ट उस पर बैठती नहीं, हल्की सी बस हल्की सी चिपक जाती है। और उससे आप क्या करते हैं, उस समय ये डस्टर बहुत काम आता है कि आप मंथ में 1 से 2 बार कार धुलवा के ले आए, उसके बाद हल्की सी डस्ट बैठी है ना, आपने इस डस्टर से उसको सिंपली वाइप किया एंड आपकी पूरी कार चमकने लगेगी वापस से। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड कपड़े से साफ़ लोग करते हैं डेली हल्के गीले कपड़े से, तो वो मुझे लगता है ख़राब चीज़ है क्योंकि उससे स्क्रैचेज़ आएंगे। एंड इससे क्या है, स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं आते क्योंकि इस पर वैक्स की कोटिंग लगी हुई है। एंड ये आप अगर नॉर्मली गंदी कार पे भी मार देते हैं ना, तो ऑलमोस्ट पॉलिश्ड कार, नई साफ़ सुथरी कार का लुक देने लगेगी आपको। तो ये इस एक्सेसरी की सबसे बड़ी खासियत है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बनाना चाहता था मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एंड उन लोगों के लिए जो लोग कार के लिए ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को मैंने बताया उनको पता नहीं है। एंड इसकी खास बात है, आप इसको इस पे देखो, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, ये एक ऐसे होता है ढांचे टाइप में होता है एक, एंड इसको आप निकाल सकते हैं ऐसे, पूरा का पूरा ये निकल जाएगा।
एंड आप इसको वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। वॉशिंग मशीन में तो बहुत गंदा हो जाएगा, हाथ से ही धो दीजिए या भिगा के रख दीजिए, बट इसको सर्फ से नहीं धोना है, मैं ईजी में धोता हूँ इसको। एंड आप भी ईजी से ही धोइएगा, या फिर इसका एक सॉल्यूशन आता है वो भी, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वो हो सकता है उससे आप धो सकते हैं इसको। एंड ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट अमेज़ॉन पे 700 to 750 का रहता है, मुझे लगता है वर्थ इट है। 2 साल अगर इसकी लाइफ है मेरे अकॉर्डिंग, 2 साल के बाद ये अब थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा है, अब उतने अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी भी काम चल जा रहा है इससे, कपड़े से तो बैटर ही साफ़ कर रहा है। तो मुझे लगता है 2 साल ही आराम से चल जाएगा, तो मेरे हिसाब से 1 रुपीज़ पर डे आपको पड़ेगा 365 डेज़ के अकॉर्डिंग, 750 रुपये का ही आता है। तो अगर आप कम ओकेजनली साफ़ करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट हर एक कार ओनर के पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में आप तुरंत अपनी कार को वाइप कर सकते हैं, शीशों को वाइप कर सकते हैं, सारी जगह वाइप कर सकते हैं, एंड पूरी कार आपकी साफ़ सुथरी हो जाएगी। सबसे बड़ा इस प्रोडक्ट का यही फ़ायदा है। एंड तो ये प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंग सबको लेना चाहिए, एंड ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो अगर आपको लेना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अमेज़ॉन से आप इसको बाय कर सकते हैं। एंड इसका जो मैंने धोने वाला सॉल्यूशन बताया उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ और एक्सेसरीज़ हैं इसके साथ की, वैक्यूम क्लीनर और पॉलिश वगैरह, उन सब की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक रहती है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि कई लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि बाकी कार पॉलिश कोई अच्छा बता दो, कोई वैक्यूम क्लीनर अच्छा बता दो, तो वो सारी चीज़ें इसलिए मैं पहले ही डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ ताकि सब लोग उसको बाय कर सके जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट इसीलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ, सबके साथ ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। एंड काफ़ी सही प्रोडक्ट है, तो आप लोग इसको ख़रीद सकते हैं। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक चाहिए वो भी बता सकते हैं। 4-5 दिन के लिए मैं गायब था, थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, ख़राब थी, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं शूट कर पा रहा था। आज भी उतनी ठीक नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है, तो मैंने कहा ये वीडियो तो शूट कर दे। तो इस प्रोडक्ट की सारी USP मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या इसकी USPs हैं। ड्रॉबैक इसका बस यही है कि वेट चीज़ों पे, वेट कार पे या गीले मौसम में, मॉनसून में इसको मत यूज़ करिएगा, बाकी आप 8 से 9 महीने पूरे साल इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जहाँ पे बहुत डस्टी वेदर होता है जैसे नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे बहुत मिट्टी उड़ती है, तो कार पे हमेशा मिट्टी जमी जाती है, तो ये बहुत एक कन्वीनियंट चीज़ है। आपने बस 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से वाइप किया पूरी कार पे, पूरी कार आपकी चमकने लगेगी। फ़िलहाल तो मेरी कार पे अच्छा खासा काम कर रहा है, मैंने 2 साल से यूज़ किया है। तो आप लोग इसको ख़रीद सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड जो भी आपके फैमिली में लोग कार ओन करते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। शेयर करेंगे तो सबके साथ ये वीडियो शेयर हो जाएगा, एंड सारे लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो यही था इस वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, एंड सेफ चलिए। गुड बाय।